यूपीआई ऐप यूज़ करके पेमेंट करते हैं और पेमेंट को प्राप्त भी करते हैं। कोविड-19 के आ जाने से यूपीआई पेमेंट का यूज़ और बढ़ गया है। आजकल हम छोटी से छोटी पेमेंट भी ऑनलाइन यूपीआई ऐप से ही करते हैं। आज की डेट में बहुत सी यूपीआई ऐप हैं जिनका प्रयोग आप कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कौन सी यूपीआई ऐप बेस्ट है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनुपम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अनुपम मंत्रा। आज मैं आपको पॉकेट बिल पेमेंट रिचार्ज यूपीआई ऑन वैलेट के बारे में बताने वाला हूँ। पॉकेट बिल पेमेंट ऐप ये आईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। ये 100% सुरक्षित है। यहाँ पर आपको कोई भी रिस्क नहीं है क्योंकि आपको यहाँ अपना बैंक अकाउंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, ये इसीलिए अन्य यूपीआई ऐप से अलग हो जाती है, बेहतर साबित होती है, क्योंकि यहाँ आप अपना पेमेंट वॉलेट से ही कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट लिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, इसके डैशबोर्ड पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना एक यूपीआई वीपीए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बनाना होता है, जिसके माध्यम से आप पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं और पेमेंट कर भी सकते हैं। दोस्तों, ये सब का सबसे अच्छा फीचर्स है कि बिना बैंक अकाउंट ऐड किए आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। अंदर आपको एनएफसी का फीचर्स भी मिल जाता है, जो किसी और यूपीआई पेमेंट ऐप में नहीं मिलता। इस एनएफसी का उपयोग करके आप किसी एनएफसी इनेबल्ड टर्मिनल पर कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस कार्ड को फिजिकली भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने मोबाइल को वर्चुअली कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही इस एप्लीकेशन में आपको क्रिएट वीपीएन, सेंड एंड कलेक्ट मनी यूजिंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस देखने को कुछ इस टाइप से मिल जाता है। यहाँ पर आपको लाइव कस्टमर सपोर्ट भी दिया जाता है। इस एप्लीकेशन में आपको आने वाली कोई दिक्कत आप लाइव चैट के माध्यम से रिजॉल्व करवा सकते हैं। आपको इस यूपीआई ऐप के अंदर बहुत सारे ऑफर्स, अमेजिंग ऑफर्स रेंज भी दिखाई देती है। यहाँ आप फ्लिपकार्ट, जेबैंक, फिजाहट, बहुत सारी कंपनियों में आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अब आइए मैं आपको इस एप्लीकेशन के अंदर का इंटरफेस दिखाता हूँ कि आप वहाँ क्या क्या कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से। देखिए, जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए अपना फिंगरप्रिंट या एम पिन के माध्यम से आप इस एप्लीकेशन के अंदर इंटर कर पाएंगे। यहाँ पर आपको सेंड मनी, पॉकेट कार्ड, स्कैन टू पे, रिचार्ज एंड पे बिल का ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑफर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस एप्लीकेशन में आपको बैंक में प्रीपेड कार्ड, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, टू व्हीलर लोन, ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। साथ ही आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट भी आईसीआई के साथ खोल सकते हैं और इस एप्लीकेशन में आपको बैंक के अंदर ही स्टेटमेंट, आई विस, एफडी, आरडी का ऑप्शन भी मिलता है। आप यहां से अपनी एफडी और आरडी भी, आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी हो तो आप इस नाम से प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं, आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी और आप भी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का उपयोग कर पाएंगे। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।